कि कल को शायद हमें जरूरत पड़े। स्मार्ट तो क्या किसी किस्म का लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं। ताजिर फट पड़े। कराची के दुकानदारों का आज से मार्केटें खोलने का ऐलान। जबरदस्ती दुकानें बंद कराई तो मुजाहमत करेंगे। हफ्ता इतवार मार्केटें खोलने, वक्त रात 9 बजे करने का मुतालबा। लोड शेडिंग और ओवरबिलिंग के खिलाफ अदायगी न करने की भी धमकी। बारिशें कितनी भी हो जाएं, कराची नहीं डूबेगा। वजीर बल्दियात सिंध और मेयर कराची की यकीन दिहाई। नालों की बरवक्त सफाई की जाएगी। नासिर हुसैन शाह, मेयर कराची की आवाम से ईद पर नालों में अलाइश ना फेंकने की दरख्वास्त। नैब ने ख्वाजा आसिफ को आज तलब कर रखा है। कैंट हाउसिंग कॉलोनी सियालकोट में ज्यादा जमीन फरोख करने का इल्जाम। फंड्स का हिसाब, अहले खाना, रिश्तेदार, हिस्सेदारों की तफसीलात तलब। कराची आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स और रेंजर हेडक्वार्टर का दौरा। कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिकमत अमली पर इत्मीनान के इजहार। यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी भी की। हयात की तस्वीर दुनिया कभी नहीं भूलेगी। दफ्तर खारजा, नन्हे कश्मीरी ने दुनिया के सामने गवाही दे दी। कश्मीरियों को अपनी जमीन पर अकीदत में बदलना ही बीजेपी का एजेंडा है। तर्जमान आयशा फारूकी। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 78 अफराद जामक। 24 घंटों में 4087 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 1,03,722 हो गई। कौमी क्रिकेट टीम के मजीद 6 खिलाड़ी इंग्लैंड रवाना हो गए। बाकी टीम पहले ही इंग्लैंड में तैयारी कर रही है। पहला टेस्ट 5 अगस्त को शुरू होगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ताहा अली और आप देख रहे हैं HNN न्यूज। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए HNN न्यूज़।